नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई क्रिकेटिंग स्वागत है। आज आपके लिए जेविनल भर्ती 2021 यहाँ पर AN की और AO की और यहाँ पर PO की तीन पोस्ट हैं दोस्तों। इनके लिए योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, सैलरी क्या होगी। फॉर्म जो है 24 फरवरी से 16 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन, और फीस क्या होगी सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा और सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। रोजाना की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी विद्युत विभाग भर्तियों से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता होगा, विद्युत विभाग की भर्ती की ऐसी कोई अपडेट नहीं है जो हमारे चैनल से पीछे छूट जाए, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ, दो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जारी किए गए JN वगैरह के, वो मैंने पहले डाल दिए। आपने नहीं देखा हो तो सुबह वाला जो वीडियो है वो देख लेना जाके। तो मित्रों यहाँ पर देख रहे होंगे, ये यहाँ पर पांचों कंपनियों का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने जारी किया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। तो अकाउंटेंट ऑफिसर की और पर्सनल ऑफिसर की यहाँ पर दो पोस्टों की क्वालिफिकेशन है। AN की भी आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम में डाल देंगे, अभी टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिएगा यहाँ पर है डिटेल नोटिफिकेशन, अकाउंटेंट ऑफिसर किसकी पोस्ट है, अकाउंटेंट ऑफिसर यानी कि AO की। तो यहाँ पर इसमें जो पद कितने हैं वो देख लीजिएगा, RVUN के अंदर 3 पद है, RVPN के अंदर 7 पद है, JVNN के अंदर 1 पद है। इस प्रकार टोटल मिलाकर के ये 11 पदों पर भर्ती निकली गई है आपकी AO की, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा पर्सनल ऑफिसर की, पर्सनल ऑफिसर की यहाँ पर देख सकते हो PO की। तो RVUN के अंदर और RVPN के अंदर टोटल मिला के 6 पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और यहाँ पर सैलरी क्या है। तो सैलरी जो है लेवल 14 के अनुसार आपको मिलेगी पेमेंट कितनी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए आपको अब क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपको कैंडिडेट मस्ट होल्ड क्या क्या होनी चाहिए, CA ICWA CMA कर रखा है, MBA कर रखा है आपको, 2 साल का ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये सारा कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो MCOM वगैरह, ठीक है ना। और आपके 60% मार्क्स होना ही चाहिए जनरल वाइज वगैरह कैंडिडेट के, और जो ST ST PWD कैंडिडेट्स के 5% कम यानी कि 55% है तो फॉर्म भर सकता है। पर्सनल ऑफिसर के लिए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, ए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स वगैरह, ये है तो आप PO की फॉर्म के लिए फॉर्म भर सकते हो। AN के लिए भी बताऊंगा, टेंशन ना करो, बिल्कुल अभी रुक जाइएगा, आपको जस्ट बताने वाला हूँ। ये ख़त्म होने के बाद आपकी जो है एज लिमिट होगी 21 साल से 40 ईयर्स तक आपकी एज लिमिट है, और यहाँ पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट प्रीवियस 2 ईयर से जो आज नोट, ठीक है, आपकी एज लिमिट जो है 1/1/2022 के अनुसार 42 साल है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको छूट दी गई है यहाँ पर SC ST वालों को 5 साल की छूट, और EWS की जो लड़कियाँ हैं उनको 5 साल की छूट, SC ST की जो और MBC की जो लड़कियाँ हैं OBC की उनको 10 साल की छूट दी गई है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ दिया गया है, और यहाँ पर आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्म जो है 24 फरवरी से 16 मार्च 2021 तक भरे जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है जितने भी हैं फॉर्म फटाफट से भर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फीस क्या होगी, जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 2,50,000 से कम सैलरी है उनकी, मम्मी पापा की इनकम तो 1,600 रुपये देने पड़ेंगे इंक्लूड GST। उसके अलावा UR और EWS OBC वगैरह SC ST सभी PWD कैंडिडेट वगैरह सभी जिनकी जो है सैलरी जो है मम्मी पापा की इनकम 2,50,000 से कम है तो 1,400 रुपये यहाँ पर चार्ज देना होगा। उसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट और क्या जानकारी है वो आपको बता देता हूँ। आप पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकते हो किसी भी माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य कोई आपके पास सुविधा है। अब आपका जो है इसमें जो है सिलेबस क्या होगा, किस हिसाब से रखा जाएगा, ये जानकारी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये सभी प्रकार की वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। आपको टाइपिंग वगैरह है या नहीं है इन पोस्टों में, और एग्ज़ाम सेंटर है, इसके पूरे एग्ज़ाम सेंटर जो है कहाँ है वह राजस्थान में है। कहाँ है मित्रों, इसके जो पूरे सेंटर है AO के और PO के पूरे एग्ज़ाम।
आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जेई नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी। डाउनलोड ऐप पर 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। सेंटर आपके राजस्थान में, राजस्थान से बाहर कोई एग्जाम सेंटर नहीं रखा गया है। चलिए अब AN की भर्ती का मामला देख लेते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर ये 5 कंपनियों की AN की भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आप देख रहे होंगे, तो AN वाले ज़रूर देखिएगा इसको। तो AN के यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिकल के सबसे पहले तो ये असिस्टेंट इंजीनियर AN के इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर जो है RVUN के अंदर 6 पोस्ट है, JVNN के अंदर 10 पोस्ट, टोटल मिला के 16 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर की, मैकेनिकल इंजीनियर की 6 पोस्ट है, वो भी RVUN के अंदर है। तो जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहता है वो फॉर्म भर दीजिएगा। उसके अलावा सिविल की यहाँ पर 3 पोस्ट है, वो है RVPN के अंदर। उसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और कम्युनिकेशन, इसके अंदर यहाँ पर टोटल मिला के 9 पोस्ट है RVUN और RVPN दोनों कंपनियों के अंदर। उसी प्रकार यहाँ पर आगे आप देख सकते हो यहाँ पर किसकी असिस्टेंट इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए 1 पद है RVUN के अंदर। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल के लिए मस्ट हैव 4 साल के आपके डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इन के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वगैरह, ठीक है। तो इनकी आपको याद रखना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, पावर इंजीनियरिंग, इन सभी में आपकी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी 4 साल का आपका कोर्स चाहिए, सिविल इंजीनियर के लिए भी 4 साल का कोर्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 ईयर का आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आपके कोई बैक वगैरह नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर कंप्लीट मांगा गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के अंदर जो है आपका जो है 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA वगैरह, कंप्यूटर फायर एंड सेफ्टी के लिए आपका फुल टाइम जो है आपका 4 साल का चाहिए। उसके अलावा फायर फिटिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग वगैरह है तो आप डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसमें है तो आप फॉरम अप्लाई कर सकते हो। यानी कि JN की जो क्वालिफिकेशन है वही AN की क्वालिफिकेशन रखी गई है, कोई बदलाव नहीं है AN और JN में, ठीक है मित्रों। और यहाँ पर जो है आपकी एज लिमिट जो है अलग अलग पोस्ट वाइज रखी गई है, वैसे तो 21 से 40 है, पर 1/1/2022 के अनुसार इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो है एज लिमिट रखी गई है 42 साल, मैकेनिकल के लिए 42 साल, और जो है यहाँ पर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन के लिए 43 साल रखी गई है, ये आप देख सकते हो। अलग अलग है, फायर एंड सेफ्टी के लिए भी 43 साल, सिविल के लिए भी 43 साल, और असिस्टेंट इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए RVUN के अंदर 42 साल, AVNN के अंदर 43 साल एज लिमिट रखी गई है। तो ये अलग अलग टाइप से रखी गई है मित्रों। चलिए अब आपको और भी इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी है इससे रिलेटेड, इसकी भी जो है फॉरम जो है 24 फरवरी से 16 फरवरी तक भरे 16 मार्च तक भरे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए। पेमेंट जो है वही लगेगा 1600 और 1400। उसके अलावा इसके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे ये जानकारी भी इम्पोर्टेंट होती है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर बाहर है या यहीं है, तो इसके एग्ज़ाम सेंटर भी बाहर रखे गए हैं, गाज़ियाबाद वगैरह सब कुछ, मतलब यहाँ पर भी विद्यार्थियों के साथ अन्याय पे अन्याय हो रहा है, जैसा कि देख रहे होंगे। महाराष्ट्र में 3 सेंटर है, मध्य प्रदेश में 4 सेंटर है, उसके अलावा गुजरात में है यहाँ पर 7-8 सेंटर, दिल्ली में है 6 सेंटर, इस प्रकार राजस्थान में केवल 10 सेंटर है, और सब सेंटर बाहर, मतलब बेरोजगारों की फिर से वही होने वाली है जैसा कि पहले हुआ था। और सरकार के खिलाफ इसका बड़ा से बड़ा मुद्दा रखा जाएगा कि एग्जाम सेंटर दोबारा से कैसे भी एजेंसी को चेंज किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो कम से कम एग्जाम सेंटर राजस्थान में होना चाहिए। और इसका एग्ज़ाम कौन करवाएगा ये तो साफ हो रहा है इससे कि IBPS आपका एग्ज़ाम करवाएगा। कौन करवाएगा? IBPS आपका एग्ज़ाम करवाएगा। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, जब एग्ज़ाम सेंटर राजस्थान के बाहर है तो इससे समझ में साफ साफ आ जाता है। धन्यवाद मित्रों।